वेलकम बैक इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, का चैप्टर टू स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं पहले वो देख लेते हैं फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें फंक्शंस ऑफ़ मैनेजमेंट के चैप्टर में कवर करने हैं सो लेट्सार्ट विद द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एज वी हैव डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले चैप्टर में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं और ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को चलाने के लिए वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शंस अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी लक्ष्य अचीव करना है गोल अचीव करना है तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसके लिए और राइट फॉर एग्जाम्पल इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कर्ता इज़ डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेम्बर तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो हमने एलेवेंथ में एक बार पढ़ा है तो ट्वेल्थ में अभी उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन चलाता है करता वही प्लानिंग करता है और सारे के सारे मेंबर्स को भी संभालता है द करता ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव जो एम है उसको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरी कौन करता है करता ही ऑल्सो टेक्स हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट और घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका भी वो हेल्प लेता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली एज़ वेल एज़ फैमिली बिजनेस करता डायरेक्ट गाइड्स कोऑर्डिनेट एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क तो घर और फैमिली का बिज़नेस जो है वो अच्छी तरीके से चले इसके लिए करता क्या करता है डायरेक्ट बताता है कि कैसे काम करना है गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक दूसरे को मिल साथ में काम करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देता है और कंट्रोल में रखता है सारे के सारे टास्क जो है वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं वो भी देखता है वॉट एवर द करता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट तो जो करता है वो बाकी सारे लोगों के साथ में जो कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं मैनेजमेंट सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट तो जो भी काम हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच रिलेट टू वेरियस फंक्शन सचेस्ट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग एक्सेट्रा तो मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है? planning, staffing, चीज़े हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं बिना इनके मैनेजमेंट होगा ही नहीं विद विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तभी ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सकता है ऑल राइट सो आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एल एल एन मैनेजमेंट इज़ वॉट मैनेजर डस तो अकॉर्डिंग टू एल एल एन मैनेजमेंट क्या है जो भी काम मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट होता है ऑल राइट right. दिस डिफाइंस फोकसेस दिस डेफिनेशन फोकसेज ऑन दी रोल ऑफ मैनेजर इन ए फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दी फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग तो मैनेजर का फंक्शन मैनेजर का काम कब स्टार्ट होता है प्लानिंग से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है कंट्रोलिंग पे जा कर काम ख़त्म होता है एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर और मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन हर एक काम एक दूसरे के साथ में जुड़ा है लिंक हुआ है दे आर इनसेपरेबल इन नेचर और हम उसको अलग भी नहीं कर सकते मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स एव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली राइट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यल टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल तो हैंनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करना मतलब फोरकास्ट करना फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या होगा पहले वो देखना है डिसाइड करना है हमें उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा तभी ही जो हमने प्लान किया है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं देन कमांड बताना पड़ेगा कि काम किस तरीके से करना है और कंट्रोल करना पड़ेगा आगे देखते हैं लुथर हैज गिवन अ की वर्ड पॉस्कॉट फॉर मैनेजमेंट फंक्शन लूथर गिल गुलिक ने एक कीवर्ड दिया है पॉस्कॉट मैनेजमेंट के फंक्शंस के नाम के लिए जहाँ पे पी स्टैंड फॉर प्लानिंग ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग सी ओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड बी स्टैंड फॉर बजटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शन आर समराइज इन द एक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग तो रिपोर्टिंग और बजटिंग ये दोनों फंक्शंस एक साथ मिला के हम कंट्रोलिंग बोलते हैं जिसको और राइट तो मैनेजमेंट के फंक्शंस याद करना है अगर तो ये वर्ड जो है पॉस्कॉट वो एक बार याद हो जाएगा तो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और राइट सो आगे बढ़ते हैं प्लानिंग तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसका सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से उसका मीनिंग देखते हैं पहले प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ़ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है प्लान करना सबसे फर्स्ट फंक्शन है ये एवरी फंक्शन ऑफ़ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग मैनेजमेंट के बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है किस पे निर्धारित है प्लानिंग के ऊपर अगर हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो आगे हम जा ही नहीं सकते इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस हमें फ्यूचर में क्या काम करना है वो अभी ही एडवांस में हमें डिसाइड करके रखना पड़ेगा प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग प्लानिंग क्या है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है मतलब जिसमें हमें दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा और सोच समझ के डिसीजन लेना है इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन ये किसके ऊपर फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है और वो ऑब्जेक्टिव हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करता है deciding a proper planning and implementing accordingly is a key of achieving the objectives of an organization in short planning is a detailed program for future course of action so short mein agar dekha jaye to planning kya hai Future में हमें क्या करना है कहाँ पहुँचना है उसके लिए आज ही हमें पूरा का पूरा detail में plan करना पड़ेगा ऑल राइट सो डेफिनेशन देख लेते हैं फॉलोइंग समी डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के दो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है फर्स्ट है कून्स एंड ऊ अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ऊ प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट टू डू हाउ टू डू इट वेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट तो अकॉर्डिंग टू कूनज एंड ऊ प्लानिंग क्या है हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है कैसे करना है कब करना है और वो कौन करेगा प्लानिंग bridges the द गैप फ्रॉम we वी आर एंड we वी to टू गो इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर could कुड अदरवाइज नॉट अकर तो प्लानिंग क्या करता है जो गैप है उसको ब्रिज कर देता है बना दे ब्रिज बनाता है एक कहाँ पे कि आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ तक जाना है अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी ऑलराइट right. तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल एंड अ अटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स तो अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर स्टोनर प्लानिंग क्या है पहले हम गोल बनाते हैं एम बनाते हैं उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो गोल जो एम है उस तक हम किस तरीके से पहुँचेंगे वो एम को गोल को कैसे हम अचीव करेंगे और राइट सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग नेक्स्ट है इट इज़ अ फंडामेंटल फंक्शंस विच गिव्स एन आउटलाइन वे अबाउट वेयर टू गो हाउ टू गो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज तो प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शन है फंडामेंटल मतलब बेसिक फंक्शन है किसी भी चीज़ का एक आउटलाइन बनाता है एक पहले क्या है रोड जैसे हमें एक मैप बनाते हैं तो मैप का आउटलाइन होता है तो कोई भी काम करने के पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी है वो बताता है कि हमें कहाँ तक जाना है किस तरीके से जाना है और जो रिस्क होगा फ्यूचर में उसको भी कम करता है और राइट सो प्लानिंग का हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज़ कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड फार्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव दें प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करता है ऑब्जेक्टिव बनाना टारगेट बनाना और प्लान को बनाने के में ऑल राइट इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ अटेनिंग द डिज़ायर्ड पोजिशन इन फ्यूचर प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है आज का जो सिचुएशन है प्रेजेंट कंडीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्टडी करना उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये बताना कि हम फ्यूचर में कहाँ पे जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन प्लानिंग एनश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिवज़ आर क्लियरली स्टेटेड प्लानिंग ये बताता है कि हमारा जो गोल है जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम प्लान नहीं बना सकते दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट वे प्लान अगर हमने बना लिया है तो वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है प्रो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें कौन सी चीज़ कब करनी है और किस तरीके से करनी है इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू नो वट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड वॉट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स एम्प्लॉयज़ को वो हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी को एम्प्लॉयज से क्या चाहिए और वो किस तरीके से हमसे काम करवा कर लेना है उनको और राइट right, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्लानिंग इम्प्रूवस परफॉर्मेंस इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाई इस्टाब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग जो है अगर पहले से करके रखेंगे तो मैनेजर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंसेस को बूस्टअप करने के लिए और उनको बताने के लिए कि काम किस तरीके से करना है प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ दी एम्प्लॉयज़ अगर प्लानिंग हमने बना के रखा है पहले से ही तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है ड्यू टू तो प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस एक बार प्लान बन चुका है तो एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इन हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जिसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी नेक्स्ट इज मिनिमाइज द रिस्क प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक प्लानिंग किसके ऊपर बेस है किसके ऊपर आधारित है फोरकास्टिंग टेक्निक फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम अभी से ही डिसाइड करके रखते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इन टू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस ये क्या करता है प्लानिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी ही आज ही हम डिसाइड करके रखते हैं और फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होने वाली है तो वो भी हम अभी ही सोच के रखते हैं बाई डिसाइडिंग इन एडवांस अ टास्क टू बी परफॉर्म प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स अगर हमने पहले से सोच ला सोच लिया है कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होंगी ये चेंजेस होंगे तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो हम आज ही डिसाइड करके रख सकते हैं चेंज और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट कैन बी एंटीसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेशर्स जो चेंज होने वाला है फ्यूचर में और जो भी रिस्क है वो पूरी तरीके से हम रोक नहीं सकते ख़त्म नहीं कर सकते बट एटलीस्ट हम सोल्यूशन जो है आज के आज सोल्यूशन बना के रख सकते हैं हम तैयार हो सकते हैं कि अगर फ्यूचर में चीज़ें ख़राब हुई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको किस तरीके से फेस करेंगे उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है इट मैनिमाइज़ द फ्यूचर रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ फ़ॉर फ्यूचर जो फ्यूचर में रिस्क होगा या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अचानक आ गई तो उसको कम करने के लिए हेल्प हो जाएगी और राइट नेक्स्ट क्या है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर प्रिपेयर बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाता है और वो ध्यान में रख के प्लान बनाता है कि कितनी रिसोर्सेज मतलब कितना रॉ मटेरियल चाहिए कितना मशीन चाहिए कितना लेबर चाहिए और कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगने वाली हैं ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही प्लान बनता है इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग हायर एफिशेंसी एंड बेटर स्किल और रिसोर्स जो हैं वो हम ऑप्टिमम यूज़ करें मतलब जितना भी रिसोर्सेज है उसको पूरी तरीके से यूज़ करें और वेस्टेजेस कम करें जिसके वजह से रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आएगा और हमारी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज होगी वन कैन अवॉइड वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्स बाय प्रॉपर प्लानिंग अगर हम प्लानिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो चीज़ों की वेस्टेजेस भी कम होंगी नेक्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग देयर आर वेरियस अल्टरनेटिवस इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं अल्टरनेटिव्स होते हैं फॉर अचीविंग गोल्स प्लानिंग हेल्प्स the मैनेजमेंट टू सेट द बेस्ट अल्टरनेटिव by considering ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ ऑल दी alternatives हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ये ध्यान में के कि कौन उस ऑप्शन का बेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predetermined goal. It helps the manager to take rational decision. फिर हम decide करते हैं कि कौन सा हमको option choose करना है हमारा जो goal है उसको achieve करने के लिए managers को ये help करता है decision properly लेने में. All right. Next देखते हैं. Useful in setting the standards of कंट्रोलिंग प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लानिंग अगर हमने बनाई है प्लानिंग करके रखी है तो हम एक स्टैंडर्ड भी सेट करके रखते हैं और राइट जिसकी वजह से कंट्रोलिंग भी प्रॉपरली हो सकती है सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कम्पेयर विद द स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डिवियशन इफ़ एनी द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो सबसे पहले क्या करना है हमें स्टैंडर्ड सेट करना है मतलब एक घंटे में सौ चीज़ों सौ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए एग्जाम्पल है अगर एक घंटे में हमें हंड्रेड पेन्स बनाने हैं तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड सेट है कि एक घंटे में हंड्रेड पेन्स बन जाने चाहिए तो हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कि एक घंटे में हंड्रेड पेन्स बन गए मतलब हम प्रॉपरली प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं बट अगर एक घंटे में हंड्रेड पेन नहीं बने इसका मतलब क्या है डिफरेंस है एक्चुअल जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है एक घंटे में हंड्रेड पेंस वो नहीं बने मतलब देर इज़ डिविएशन डिविएशन का मतलब क्या है डिफरेंस तो क्यों डिफरेंस आ रहे हैं वो हमें देखना है और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है करेक्ट करना है ऑलराइट राइट right? सच डिविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स अगर कुछ डिफरेंस डिफरेंस है डिविएशन है प्रॉब्लम्स है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं देर फॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल तो इसके लिए प्लानिंग क्या करता है कंट्रोल करने में हेल्प करता है चीज़ों को गलत करने गलत डिरेक्शन में जा रही हैं उसको सही डरेक्शन में करने में हेल्प करता है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन लाने में भी हेल्प करता है प्लानिंग नेक्स्ट क्या है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अगर हमने एक बार प्लान बना लिया है तो उससे बाकी जितना भी काम है वो अच्छी तरीके से मिलजुल के किया जा सकता है इट रेड्यूज ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज़ प्लानिंग की वजह से एक्टिविटीज़ की जो ओवरलैपिंग है वो भी कम हो जाएगी ओवरलैपिंग मतलब जो काम है वो अलग अलग वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो एक ही काम कोई दो वर्कर नहीं करेगा जिसके वजह से जो काम है उसका ओवरलैपिंग भी नहीं होगा ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर विच इज़ कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ में लिंक है जुड़ी हुई है ठीक है साउंड प्लानिंग इंटर रिल्ड्स ऑल दी एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए हमें प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली और अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी सो so दैट सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली हो और रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो सके दस वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर दी ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव तो इसी की वजह से जितने भी डिपार्टमेंट है वो प्लान जो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और मिल कर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव होगा और कोऑर्डिनेशन भी अचीव हो सकता है ऑल राइट नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन फंक्शंस टुवर्ड अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और गोल कब बनाया जाता है प्लानिंग स्टेज पे ही हम गोल बना लेते हैं एम अपना डिसाइड कर लेते हैं अनलेस द प्लान इज़ रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज़ ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन दर्ज प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर प्लान बनेगा नहीं तो मैनेजमेंट का बाकी फंक्शंस जो है वो यूज़ में नहीं आ सकता इसके लिए बाकी के फंक्शन अगर हमें मैनेजमेंट के यूज़ में लाने हैं यूज़ करने हैं तो सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है उसके बाद बाकी के स्टेप्स जो है मैनेजमेंट के वो आएगा जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया स्टाफिंग हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ये सारे जो फंक्शंस है वो बाद में आएंगे सबसे पहला क्या होगा प्लानिंग होगा और राइट नेक्स्ट क्या है लास्ट फंक्शन है ये प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजमेंट का सबसे बेसिक सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग ये क्या करता है ये इनोवेटिव आइडिया जो है मतलब कुछ नया आइडिया हमेशा सोचने में हेल्प करता है हम प्लान करते हैं मतलब कुछ नया आइडिया सोचते हैं बहुत चीज़ों के बारे में ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइडिया हम यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट हमको मिलेगा अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम अच्छा प्लान सेलेक्ट करेंगे चूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है एम है वो भी अचीव होगा इट इज़ दी मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे बेस्ट प्लान चूज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका ग्रोथ होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी वो आगे बढ़ेगा और राइट सो यहाँ पे हमारे जो टेन पॉइंट्स हैं और प्लानिंग के वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज़ वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में या और किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टन एंड द बिज़नेस एनवायरमेंट इज़ चेंजिंग जो हमारा फ्यूचर है चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल का हो चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो बिज़नेस का हो या कंपनी का हो फ्यूचर किसी को पता नहीं होता वो अनसर्टन है मतलब श्योर नहीं है और बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या है हमेशा चेंज होते रहता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन भी मिनिमाइज डेफिनेटली तो अगर हम प्लान प्रॉपर बना के रखेंगे तो जो फ्यूचर में जो रिस्क आने वाली हैं जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो हम कम कर सकते हैं हैंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस सर्वाइवल ग्रोथ एंड सक्सेस इसके लिए प्लानिंग जो है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहला स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनना है अगर उसको सर्वाइव करना है और ग्रोथ उसके ऊपर ग्रोथ होना है उसका तो और राइट सो हमने यहाँ पर इस वीडियो में प्लानिंग जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो का समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर योर टाइम